Welcome viewers. Today is my topic about layout in ilwis software. How to make layout in ilwis. First of all, हम यहाँ से start करेंगे. ये जो आपको नजर आ रहा है map, ये KP map है, खैबर पख्तूनख्वा. पहले से हमने जो रेफरेंस किया है और बाद में डिजिटाइज किया और इसके बाद हम इसकी लेआउट बनाएंगे. सही है. लेआउट किस तरह बनते हैं आप भी देख ले और दूसरों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कर ले. यहाँ पे आप एट केपी सिटी मैप, ये हमारे साथ जो केपी सिटीज थी हमारे साथ लेयर ऐड हो गया. दूसरा लेयर हम एट डिस्ट्रिक्ट सही केपी पे क्लिक करेंगे टेक्स और ओके. ये आप देख सकते हैं कि हमारे साथ सारे डिस्ट्रिक्ट ऐड हो गए. सही है. ये केपी मैप है. इसके बाद सही टॉपिक पे हम आते हैं कि इसकी लेआउट किस तरह बनते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहां से जाए एडिट फाइल, फाइल क्रिएट न्यू क्रिएट लेआउट. आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. सही है. ये हमारे साथ लेआउट आ गया. आप इसके जरिए आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसके जरिए आप उसको मतलब ऊपर नीचे कर सकते हैं. सही है. हम इसके बराबर कर ले और फिर उसको थोड़ा मतलब वो कर दें. सही है. ये हमारे साथ मैप्स आ गया. इसके बाद हम छोटा उसको और भी कर सकते हैं जी. इसके बाद हम क्या ऐड करते हैं व्यू और इसके बाद हम टेक्स में हम ये लिखते हैं केपी में मतलब मैंने ये टेक्स लिख दिया. उसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, उसको ओकर कर दें. हमने यहाँ पे टेक्स लगा दिया. इसके बाद इंसर्ट स्केल बार, स्केल बार भी आप मतलब लाइन भी लगा सकते हैं, ब्लॉक भी लगा सकते हैं. मैंने ब्लॉक लगाया. सही है. आप इसके बार को नीचे लाओ. ये इसके बार हो गया. इसके बाद सही है इंसर्ट लीजेंड, ये हमारे साथ लीजेंड हो गया. ये हमारे साथ लीजेंड ऐड हो गया. सही है. इसको हम जी ये हमारे साथ लीजेंड ऐड हो गया. इसके बाद हम इंसर्ट करेंगे क्या नॉर्थ एरो. ये एक एरो हमने ऐड किया. इसको आप चेंज भी कर सकते हैं क्रॉस वाली. सही है. ये एरो हेड हो गया और इसके बाद आप बार भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं. सही है. ये
border. जी भाई, ये वही मैप है जो मैंने लेआउट के लिए इस्तेमाल किया। ये आप अगर ग्राफिकली भी मतलब आप शो कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पॉपुलेशन 1998 और पॉपुलेशन 2017 का डाटा डाला था ना, आप इसको भी मतलब शो कर सकते हैं। सही है, ये कलर्स है, अगर इसको चेंज करना चाहते हैं इसे, लेकिन वही छोड़ दे, इसको हम ओके कर दे और अप्लाई कर दें। ये आपको जो ग्राफिकल मतलब शो है वो आपको दिखा रहे हैं। सही है, आप इसको भी आप मतलब लीजेंड में और लेआउट में आप यूज कर सकते हैं। सही है जी भाई, ये दूसरा मतलब अगर इसके लिए आउट आप बनाते हैं, बना सकते हो, तो आप ऐसा कर लें कि फाइल पे जाए और क्रिएट न्यू पे क्लिक करें, तो आपके साथ इस तरह मैप आपको मतलब नज़र आ रहा है। सही है, और इसमें आप मतलब लीजेंड ऐड करते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। सही है, ये देख लें, मतलब ये हमारे साथ लीजेंड है। रेड कलर जो है वो पॉपुलेशन 1998 शो कर रहा है और जो ग्रीन है वो 17। बाकी वही चीज है जो उसकी मतलब आप ऊपर टाइटल लगा रहे हैं, एरो लगा रहे हैं, यहाँ पे स्केल बार मतलब लगा रहे हैं, सारा कुछ वही है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये शो करना चाहता हूँ जो मतलब जो डेटाबेस इसके पीछे वो डेटा किस तरह शो करना है, मैंने वो भी लेआउट में आपको दिखा दिया। अगर कोई मतलब क्वेश्चन हो और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो कमेंट ज़रूर कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी।